कैदी सिपा सलार। ईरान का मशहूर सिपा सलार हर मिजाज जब कैदी बना तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास लाया गया। हज़रत उमर ने उसे इस्लाम कबूल करने की दावा दी, जिसे सिपा सलार ने ठुकरा दिया तो हज़रत उमर फारूक ने उसे कत्ल करने का हुक्म दिया, क्योंकि उसने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुँचाया था। जब उसके कत्ल की मुकम्मल तैयारी हो गई तो उसने हज़रत उमर फारूक की तरफ देख कर कहा, मैं प्यास से नढाल हो गया हूँ, क्या आप मुझे कत्ल करने से पहले पानी पीने दे सकते हैं? हुक्म हुआ कि इसे पानी पिलाया जाए। हर मिजाज ने जब पानी का प्याला हाथ में लिया तो हज़रत उमर फारूक से कहने लगा कि इस पानी के पीने तक आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। उमर फारूक ने फरमाया, जब तक तुम पानी नहीं पियोगे तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। हर मिजाज ने पानी को फौरन से गिरा दिया और कहा, अमीरुल मोमिनीन देखिए आपने वादा किया है, अब इसको पूरा कीजिएगा। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि हम तुम्हें कत्ल करने से रुक जाते हैं और तुम्हारे बारे में गौर व फिक्र करेंगे। जिलाद को हुक्म दिया गया कि तलवार हटा लो। जिलाद का तलवार हटते ही अरमिजान ने ज़ोर से पुकारा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुमने इस्लाम कबूल किया, अच्छी बात है, मगर तुम ये बताओ कि जब हमने तुम से कहा कि इस्लाम कबूल कर लो तो तुमने उस वक्त इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया? उसने कहा कि मुझे इस बात का डर था कि अगर मैं इस्लाम कबूल करूँ कहा तो मेरे बारे में कहा जाएगा कि मौत के डर से हर मिजान ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अम्बल फारिस की अकले पहाड़ों जैसी हैं, जिसका मतलब कि ये बड़े अक्लमंद हैं, इनकी अकले अजीम व शान है। सुभान अल्लाह।